आज जनाब दो बहुत ही बड़े आदमियों का ज़िक्र करना है और लेकिन उससे पहले एक बात अर्ज़ कर दूं वो ये कि जदीद नफ्सियात में जिस चीज़ को नॉर्मल सी कहा जाता है नॉर्मल का क्लासिकी इस्तेलाह में मतलब होता है मेयारी लेकिन जदीद नफ्सियात में नॉर्मल आदमी का तसुर मेयारी आदमी का तसुर नहीं रहा बल्कि वो घट कर कार आमद आदमी का तसुर बन के रह गया और उसमें फिर नुकसान ये हुआ कि शख्सियतों में जो एक इम्तियाज होता है इनफरादियत जो बिल्कुल नेचुरल इजहार करती है लोगों में वो उसका दरवाज़ा बंद हो गया क्योंकि अगर मामूलीपन को मेयार बना लिया जाए और हर आदमी को इस बात का मुआशरा या अजतमाही ज़िंदगी चलाने वाले सब इदारे पाबंद करें कि बिल्कुल एक मामूल मामूली सतह पर रहो और मतलब ये कि अपने होने के माहौल को बाहर से अक्स करो यानी अपनी इनफरादियत पर भी लगे बंधे जो असालिब हैं उनके मुताबिक इसरार करो या उसे एक्सप्रेस करो यानी यह कि इनफरादियत को भी जैसे एक मैकेनिकल सी चीज़ बल्कि एक नागवार चीज़ बना दिया गया और उसमें ऐसा तसन्द दाखिल हुआ कि फिर लोगों ने जैसे कि शायरी में अदब में और मामूल की ज़िंदगी में लोगों ने फिर मुनफरद होने के जैसे बिल्कुल बेमानी और महमल जाविये तलाश कर लिए यानी मानी का इनकार जदीद आदमी की जिंदगी में इंफ्रदियत का सबसे मज़बूत ज़रिया है एबसर्डिटी जदीद परसेप्शन में जदीदियत की बनाई हुई दुनिया में अपनी इनफरादियत को इस्टबलिश करने का सबसे मौसर मीडियम बन गया तो जबकि जो आदमी का क्लासिकी तुर है उसकी इंफ्रदियत और इज्तमीत दोनों का उसमें नॉर्मल आदमी मेयारी आदमी होता था माशरे में अकलीत में होता था वो क्रिएटिव होता था और थोड़ा सा जैसे मामूली ज़िंदगी के मेार से देखा जाए तो कुछ पागल सा होता था तो लेकिन कि वो मामूली जिंदगी के के मैार पे पागल होता था दरअसल वो उस होश को अपने अंदर से मैनिफेस्ट यानी उस होश की मैनिफेस्टेशन होता था जिस होश को लोगों ने एक बिल्कुल अदर डायरेक्टेड और मामूली मकासद रखने वाली ज़िंदगी के पर कुर्बान कर दिया था तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ऐसी बहुत शख्सियतें देखी अपनी नौजवानी में लड़कपन में बचपन से जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो एक गैर मेयारी सोसाइटी में मेयारी इंसान की तरह रहे और मेयार का मतलब होता है कि वो क्रिएटिविटी एक हायर परसेप्शन और हायर एक्सप्रेशन और दूसरे ये कि चीज़ों से बुलंदी की हालत में रहना और चीज़ों को उनके बनाए हुए हदूद की पाबंदी किए बग़ैर कम अज़ कम अपने ज़हनी तसरफ में रखने में कामयाबी हासिल करना ताकि वो सिंबलिज्म जिंदा हालत में जारी सारी रहे जिसके बग़ैर ना अक्ल किसी काम की है ना आँख किसी मशरफ़ की है और ना मेरे आदमी होने की जो ख़ुद मेरे लिए तस्लीम शुदा ज़िम्मेदारी है वो पूरी नहीं होती यानी मैं वैसे ही मिसाल तौर पे कह रहा हूँ कि सिंबल कहते हैं एमिनेंट और ट्रांसेंडेंट के ताल्लुक में शूर हासिल करने के जरिए के की मनत को मतलब ये कि हर शे ख़ुद मंजिल नहीं है मैं जिस ऑब्जेक्ट पर गौर कर रहा हूँ यानी उस ऑब्जेक्ट को जिसका इल्म एम्पेरिकल है उस पर जब ग़ौर कर रहा हूँ तो मेरे ग़ौर करने का आगाज़ ही इस नीयत से होता है कि मैं इस मौजूद चीज़ को इस हाजिर चीज़ को इसकी गायब हकीक़त से जो जुड़ा हुआ देखूँ या जोड़ कर दिखाऊँ तो सिंबल इसी को कहते हैं कि देखा हुआ माने हुए को मैनिफेस्ट करे यानी फॉर्म हकीकत को एक्सप्रेस करे अपना वजूद अपना नाम अपनी इनफरादियत बरकरार रखते हुए तो ऐसे लोग जो होते हैं जो मतलब एक एक सिंबलिज्म में उनके अंदर गुंधा हुआ होता है उनके जहन में भी और उनके उनकी नफ्सियात में भी तो ये लोग जो हैं ये अगर इनको साजगार माहौल न मिले अगर इन्हें ऐसा मुआशरा न मिले जहाँ बड़ी चीज़ों से महरूमी की हालत में भी उनकी कशिश कमज़ोर नहीं पड़ी होती तब तो ये लोग खप जाते हैं लेकिन अगर मुआशरा ऐसा ना रह जाए और वो ऐसा हो कि जैसे चूंटी अवकाब पर अगर तनकीद करे तो उसे कबूल कर लिया जाए तो अगर चूंटियों का डिस्कोर्स क़ायम हो जाए तो फिर वहाँ ज़ाहिर है कि उड़ने वाले जो हैं वो अहमक़ हैं दीवाने हैं और नामतलूब हैं या मज़ाक का निशाना बनते हैं तो हमने एक ऐसे ज़माने में एक ऐसी ऐसी ही शख्सियत को देखा कि जिस ज़माने में चूंटियों की हुकूमत का आगाज़ हो गया था और आसमान को गोया ज़मीन के नीचे देखने वाले जो एक वाली जो एक नज़र है वो आँखों को और जहन को सिखा दी गई थी तो वो थे उस्ताद महबूब निराले आलम मुझे उम्मीद है कि इनके नाम से बहुत लोग वाकिफ होंगे और इनसे वाकिफ होने का ज़रिया जो हैं सभी के लिए वो इब्ने सफ़ी बने थे इबन सफ़ी के बारे में सब जानते हैं कि उर्दू में जासूसी जो नावल निगारी की रिवायत है उसका बिल्कुल मुसलम तौर पे सबसे बड़ा नाम और न ना सिर्फ ये कि वो जासूसी नावल निगारी में सबसे बड़े थे बल्कि अगर हम नावल निगारी के फ़न ही के मैार पर यानी नावल क्या होता है इस सवाल को अदबी तनकीद के के हव, अदबी तनकीद के परस्पेक्टिव से हल करने की कोशिश करें और अगर हमें ये दरियाफ़्त हो जाए कि अच्छे नावल के ये बुनियादी अज्जा होते हैं तो वो अज्जा अक्सर इब्न सफ़ी के जासूसी नावलों में पाए जाते हैं मिसाल के तौर पे प्लॉट प्लॉट यानी वाकयात पर वाकयात के दरमियान जो इंटर रिलेशनशिप है उसको बहुत कुदरत और महारत और चाबुक दस्ती से पैदा करके दिखाना ये प्लॉट है यानी किरदार का किरदार को हिस्टोरिसाइज करना जो मानी पैदा किए जा रहे हैं उनको गोया एक तारीख़ी और ज़मानी तरतीब में ले आना ताकि उन्हें देखना उन्हें समझने से ज़्यादा ज़रूरी हो जाए या उनको देखने के लिए किसी वाक़ को देख सकने वाली नज़र का इस्तेमाल पहले करना लाजमी हो तो इसको कहते हैं प्लॉट तो ये ऐसा प्लॉट उर्दू नावल में कम ही लोगों को नसीब हुआ होगा मतलब प्लॉट बनाने की क़ुदरत जो इबन सफ़ी के हर नावल में नज़र आती है फिर दूसरा अच्छे नावल में क्या चीज़ ज़रूरी है वो है किरदार निगारी के नावलस्ट अच्छा अगर है तो उसके किरदार बहुत सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड और सिचुएशन यानी प्लॉट में मानी पैदा करने के बहुत लाजमी एजेंट्स होंगे तो इसी वजह से अच्छे नावल निगारों के किरदार मशहूर होते हैं तो वो राजकॉल निकोफुलाँमाई जो बड़े बड़े नावल निगारों के नावलों के किरदार हैं तो इस बात पे भी देखा जाता है कि ये किरदार कितना ज़बरदस्त है ये और कितना ज़रूरी है इस प्लॉट में तो उसमें इब्ने इबन सफ़ी के मुकाबले पे कोई उर्दू नावल निगार नहीं है यानी अदबी नावल लिखने वालों में भी किरदार निगारी के मुकाबले में किसी के यहाँ वो चीज़ नज़र नहीं आती जो इनके यहाँ साफ दिखाई देती और जिसका एक सबूत ये है कि इनके तकरीबन तमाम किरदार कहानी को वजूद में लाने के नहायत ज़रूरी जराए होते हैं यानी कोई किरदार भर्ती का नहीं होता चाहे वो उस कहानी में थोड़ी देर के लिए आए तो यही वजह है कि इनके जितने किरदार इनके मरूफ़ हैं मशहूर हैं उतने किरदार किसी भी उर्दू नावल नगार के जो हैं वो मशहूर नहीं है। हैं तो एक आज जैसे खोजी वगैरह रतन नाथ सरशार का वो बहुत बड़ा किरदार है उतना बड़ा किरदार जाहिर है कि इब्ने इब्ने सफ़ी नहीं तख्लीक़ कर पाए लेकिन इन्होंने बहरहाल खोजी के क़रीब करीब कम से कम चार छः किरदार बना के दिखाए फिर तीसरी जो उसकी खूबी होती है वो है कि नसर कैसी है उसलूब कैसा है तो और वो उसलूब में कंसिस्टेंसी है या नहीं और किरदारों की ज़बान जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है या नहीं तो ये सारी चीज़ें अगर सख्त नज़र से भी जायज़ा लिया जाए तो इबन अरबी अरे इब, मैं माफी चाहता हूँ इबन सफ़ी के बराबर कम लोगों में दिखाई देती है इनका हर किरदार न सिर्फ ये कि अलग मुहावरे में बात करता है बल्कि अलग नफ्सियात का हामिल नज़र आता है तो मतलब मुनफरद है ये अपने हर किरदार में जैसे एक इनफरादियत इंजेक्ट कर देते हैं ये चीज़ हमारे उर्दू नावल में नहीं है या है तो एक आध क्या है तो गरज ये कि ये बहुत बहुत सिग्निफिकेंट काम है इबन सफ़ी का जब आदमी जवान होता है तो उस नावल को वो जासूसी सम जासूसी नावल पढ़ समझ के पढ़ता है लेकिन थोड़ा अगर अदबी मैच्योरिटी उसे हासिल हो जाए तो जैसे वो आर्थर कैनन डायल को पढ़ा जाता है इब्ने सफ़ी भी अपने मुताले के लिए वो चीज़ तलब करते हैं क्या आर्थर कानन डायल बहुत बड़े जासूसी नावल नगार हैं लेकिन ये कि एक वक्त आता है कि उनके वो शर्लक होम से बेनियाज हो जाते हैं और आदमी फिर उनकी तहरीर को किसी अदब पारे की तरह पढ़ता है और सही मानों में उसी वुफानंदोज़ होता है तो इब्ने अरबी में भी उसी रिवायत की झलकियां नज़र आती हैं जो आर्थर कानन डाइल से शुरू हुई थी तो इब्ने सफ़ी इत्तेफाक ये कि मैं जिस मेरा जो आबाई शहर है इलाहाबाद इब्ने सफ़ी वहाँ के थे और इनका गांव जो था नारा उसका नाम था वो हमारे गांव से ज़्यादा दूर नहीं था इनका असल नाम था असरार अहमद नारवी जो नूह नारवी जहाँ के बहुत मशहूर शायर थे तो ये शायरी भी करते थे असरार नारवी के नाम से तो खैर और इनकी जो बुनियादी तालीम थी वो नफ्सियात और फ़लसफे में थी नफ्सियात में ालिबा इन इनके पास कोई डिग्री भी थी और फलसफ़ा बहुत इनका महबूब मजमून था और उसके साथ साथ साथबियात पे इनकी इतनी गहरी नज़र थी जो अच्छे भले नक़ादों की नहीं होती और इनसे अदबी गुफगू करना हमेशा मुफीद होता था हर आदमी के लिए चाहे वो कितनी भी अदबी बसीरत रखता हो तो इस तरह के ये आदमी थे और दूसरे ये कि आप लोगों ने वो दौर नहीं देखा होगा या कुछ लोग हों हो हो, शायद जिन्होंने देखा हो इबन सफ़ी से ज़्यादा मकबूल मुशनफ़ उर्दू की तारीख़ में नहीं आया है यानी उनका एक एक नावल जो है वो लाख लाख भी छपता था यानी कि वो बस छपते ही रहता था उनका प्रेस जो है जो भी प्रेस उनका छापता था वो लगता है यही नावल छापता रहता था उस और कभी मशीन बंद नहीं होती होगी इतने ज़्यादा एडिशन्स छपते थे तो इनके नावलों की वो तकसीम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स इनके आगे हाथ जोड़े खड़े रहते थे कि आप लाहौर की डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे दें पिंडी की हमें दे दें मतलब बहुत ज़्यादा पुरकशिश पेशकशों के साथ लाइन लगी होती थी, थी इनके आगे लेकिन आदमी यहाँ पहचाना जाता है वो चाहते तो जाहिर है कि वो बहुत अमीर आदमी हो सकते थे मतलब वो ख़ुद ही पब्लिशर थे अपने वो बहुत ज़्यादा दौलत कमा सकते थे लेकिन जो उन्हें जानते हैं वो जानते हैं कि उन्होंने एक मुतवसित दर्ज़े की ज़िंदगी से आगे बढ़कर कुछ नहीं किया यानी उन्होंने अमीराना ज़िंदगी इख्तियार नहीं तब कभी की, वो मुतवसित तबका भी आजकल की मिडिल क्लास जैसा नहीं मतलब वो जैसे ना अपर मिडिल क्लास ना लोअर मिडिल क्लास यानी कि खालिश मिडिल क्लास में रहे छोटे से छोटे घर में रहे अपने वसाइल के दस फ़ीसद को भी उन्होंने अपने ऊपर नहीं इस्तेमाल किया और उनको एक अजीब तरह का दिल अल्लाह ने दिया था कि वो किसी की मदद करना चाहते थे तो उसे एक ख़ास इलाक़े की डिस्ट्रीब्यूशन दे देते थे मसलन मतलब वो कि लाहौर एक शहर पूरा है यहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन एक आदमी के पास नहीं होती थी उनकी दस आदमियों के पास होती थी मतलब कि तुम समनाबाद में कर दो वो गुलबर्ग में कर दे वगैरह वगैरह इस तरह छोटे एरियाज़ को छोटा करके वो डिस्ट्रीब्यूशन देते थे और वो सब लोग जो हैं वो खुशहाल हो जाते थे जाहिर उनका नावल मतलब आप यकीन रखें कि उर्दू में उनसे ज़्यादा मकबूल मुसनफ़ उनसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला नावल नगार कोई भी नहीं उन्हें करीब भी नहीं तो दूसरा ये कि वो शायरों अदीबों खूस शायरों अदीबों की कफालत किया करते थे इंतहाई राजदारी के साथ वो मेरे मामू के क्लास फैलो थे इलाहाबाद में तो मेरे मामू बताते हैं कि ये किस किस तरह इन्होंने लोगों की मदद की है अपनी ज़रूरियात को तर्क करके तो ये एक बहुत बड़ी बात और दूसरे ये कि उन्हें एक शौक था जो मैंने आज किया ना कि आज जमाना जिसे पागल कहे अक्लमंद वही है तो वो क्या है कि वो क्या नाम है बेदिल का या रूमी का शेर है ना कि खलक़ मजनू नंदो मजनू आक़िल कि ये जो सब लोग हैं ये पागल हैं मजनू तो असल में अकलमंद है तो जिस ज़माने में अक्ल मंदी या शूर की ज़रा बालाई सतह ये पागलपन कहलाने लगे तो वो ज़माना अफसोस के हम उस ज़माने में रह रह रहे हैं मतलब उसका इंतज़ार नहीं है वो ज़माना ग्लोबल अंदाज़ में सब पत् है तो उसमें मतलब उनको शौक़ ये था कि जो खिसके हुए लोग हों जो मुख्तलिफ लोग हों और जो भोले लोग हों तो उनकी ये तलाश में रहते थे और इनकी तफरीश गालिबन मेरे ख़याल में मैं बहुत ज़्यादा उनके क़रीब नहीं रहा उनके साथ नहीं रहा लेकिन एक मेरा ख़याल ये है उनके दोस्तों की ज़बानी से उनके तस्करे सुन सुन कर कि उनकी सबसे बड़ी तफरी यही थी कि कोई भोला दीवाना मिल जाए अब आप गौर कीजिए कि भोलपन कहीं रह गया है अब अब ये इंसानी इंसान का जहन और उसका नफ्स अगर क्रिस्टलाइज़ हो जाए पाकिजकी के ग्लू से जुड़ जाए तो वो आदमी लाजमंद भोला होगा वो आदमी आइंस्टाइन की तरह होते हुए आइंस्टाइन ही की तरह भोला होगा तो ये भोलपन तो अब खत्म अब सब सब अपनी अपनी दानिश में मतलब चालाकी को समझते हैं कि अक्लमंदी है और कामयाबी की कुंजी है तो बहरहाल ख़ैर ये तो अलग बात तो इब्ने सफ़ी की ये जो ख़्वाहिश है ये सबसे ज़्यादा जिस शख्स की दरियाफ्त से पूरी हुई वो थे उस्ताद महबूब निराले आलम जिसने भी इबन सफ़ी को पढ़ाया है वो उस्ताद से नावाकिफ़ नहीं है बल्कि ये कि अगर उसने पचास बरस पहले भी पढ़ा है इबन सफ़ी को तो वो आज भी उस्ताद को भूला हुआ नहीं होगा भूल ही नहीं सकता अब उसमें एक चीज़ है कि यह उस्ताद महबूब निराल आलम की कैरेक्टराइजेशन में इबन सफ़ी ने कोई तखयल इस्तेमाल नहीं किया यानी उस्ताद जैसे थे वैसा ही उन्होंने नकल कर दिया बल्कि यूँ कहना चाहिए कि इबन सफ़ी के उस्ताद महबूब नराल आलम और असल महबूब नराल आलम में फ़र्क़ ये था कि असल महबूब नराल आलम उस किरदार से ज़्यादा बड़े थे और मतलब आप आपबन सफ़ी के यहाँ इनका तस्करा पढ़ के इनकी शख्सियत के तमाम कमालात का कमाल नहीं हासिल कर सकते तो उनका आज जिक्र करना है मेरी जो है वो और ये ज़िक्र की बुनियाद यानी कि ये नवे फ़ीसद राशिद अशरफ साहब ने इन पे काम किया है तो इस मैं इसमें जो वाकयात वग़ैरह मैं बताऊंगा उसमें से नवे फ़ीसद हम उनकी सनद पर पेश कर रहे हैं और उनका बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने एक बहुत अच्छे और मुनफरद आदमी को याद भी किया और एक आला दर्जे की रिसर्च के नतीजे में उनके बारे में मालूम को महफूज भी कर दिया और बाक़ी दस फ़ीसद जो है उसमें कुछ मेरे मुशाह हैं कुछ जो है वो मेरे उन दोस्तों के बयान करदा वाक़ हैं जो उन वाक़ में के शाहिद थे तो खैर उस्ताद भी फिरदौस कॉलोनी एक महल्ला है कराची में वहाँ इबन सफ़ी उम्र भर वहीं रहे तो उस्ताद भी मैं एक ज़माने में फिरदौस कॉलोनी में रहते थे उस ज़माने का एक वाक़ है जो एक साहब के साथ पेश आया था और ये गालिबा लिखा भी गया होगा लेकिन बहरहाल वो वाक़ जिनके साथ पेश आया था वो मेरे जैसे बुज़ुर्गों में से थे वो ये कि एक मरतबा उस्ताद उस, उस ज़माने में जो है वो बहुत लंबी जुल्फ़ें और बहुत घनी और बड़ी दाढ़ी रखते थे और अजीब तरह का मजजूबों जैसा हुलिया इख्तियार किया हुआ था तो ऊँची सी टोपी लाठी और अजीब सा एक और उस लिए में सबसे नुमाया चीज़ थी कि बहुत मोटे दानों की यानी टेबल टेनिस की जो बॉल होती है उस साइज़ के दानों की तस्बी वो उनके गले में पड़ी होती थी और तस्बी भी हज़ार दानों की या पाँच सौ दानों की होती थी कई मरतबा बल दे के और उसका एक वजन होता था वो मैंने देखी है तो एक आदमी वो माला लटकाए हुए बल्कि उस पर वो तस्बी ने उनका चेहरा भी जैसे छुपा रखा होगा थोड़ा बहुत तो वो यूं जैसे फ़जा में बॉक्सिंग कर रहे हैं और अपनी धुन में बस चले जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और बहुत अच्छे तनुमंद आदमी तो इनको दिलचस्पी हुई इन्होंने पूछा कि हज़रत अगर बुरा ना माने तो कुछ अपने बारे में बता दें तो ये नादिम सीतापुरी साफ थे वो भी क्या नाम है फिरदौस कॉलोनी में लगे। तो इन्होंने कहा कि मुझे शाह जन्नात ने बुलाया है अपनी मदद के लिए वो उसके ख़िलाफ़ बगावत हो गई है तो वो बागी जो हैं वो अगर मैं ना पहुंचा तो उससे कत्ल कर देंगे उसकी हुकूमत पर उसके तख्त पर काबिज़ हो जाएंगे तो मैं जा रहा हूं उसे बचाने और ये जो तुम देख रहे हो ना मैं इसको मार रहा हूं उसको मार रहा हूं ये वो बागी गुरु है जो मुझे वहां जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है तो लेकिन कि ये कुछ भी नहीं कर सकते अब उन साहब नादिम साहब को तो बहुत ही जैसे उनको भी उस ज़माने में वैसे भी एक लोगों की नफ्सियात थी कि पुरसरार लोगों से पुरसरार बातों से बहुत दिलचस्पी रखना लिहाजा उस ज़माने में ज़्यादा घर हर महल में एक आद होता था कि लोग उसकी ज़ियारत के लिए जाया करते थे जब तक ये मिजाज था वो होते थे अब वो सब घरों में लोग आबाद हैं तो अब उसके बाद उन्होंने गालिबा इबन सफ़ी साहब को इतला दी इनके बारे में और पूरा पता वग़ैरह पूछ लिया नाम पूछ लिया फिर इबन सफ़ी ने इन पर जैसे सरपरस्ती का हाथ रखा और इनको मतलब बिल्कुल अपने जैसी ज़िंदगी गुजारने के लायक कर दिया और बिल्कुल ये जैसे घर का फ़र्द बन गए इबन सफ़ी के लिए और इब्ने सफ़ी क्योंकि बहुत बजला सन्ज बहुत विटी बहुत फिक्रेबाज आदमी थे तो उनके लिए उस्ताद जैसे वो पंचिंग बैग होता है ना उस तरह के थे और उस्ताद को वो तरह तरह की तरकीबें बताते थे और उस्ताद के से अजीब अजीब हरकतें वो करवाते थे तो मिसाल के तौर पर इन्होंने इबन सफ़ी ने उस्ताद को एक दुकान किराए पर लेकर दे दी कि आप यहाँ पे तस्वीर का एक पूरा अंबार वही जो मोटे दानों वाली वो बस बैठ जाएं और अमलियात का काम करें तो उस्ताद ने वो काम शुरू किया और इत्तेफाक ये को वो काम चल भी पड़ा और लोग इनकी करामत के और अमलियाती तसरुफ़ वगैरह के बहुत कायल भी वाकई हो गए और उसद वही लंबी सी जुल्फे और बड़ी सी दाढ़ी तो खैर वो अमलियात का काम करते रहे फिर उससे बेजार हो गए क्योंकि इस तरह की जो शख्सियतें होती हैं ना ये किसी एक काम में नहीं रह सकती ये यकसानी नहीं बर्दाश्त कर सकती तो फिर बादल ये इबन सफ़ी ने फिर इनके लिए एक मुंशी रखवा दिया कि उस्ताद उस्ताद को लिखना पढ़ना नहीं आता था बिल्कुल अपना नाम भी नहीं लिख सकते थे तो उस्ताद ने को उन्होंने एक सेक्रेटरी रखवा दिया कि भैया जो बोलें तुम लिख लिया करो वो जो उस्ताद का बोला हुआ है वो कम से कम चार पांच किताबों की सूरत में छपा भी है वो मैं अभी आज करता हूँ तो मेरी जो मतलब मुझसे पहले मेरी मुलाकात तो इनसे सन उन्नीस में हुई लेकिन उससे पहले इनके वाकयात बहुत कुछ मशहूर भी थे और कुछ मशहूर नहीं भी थे तो मुझे राशिद अशरफ साहब की तहरीर से पता चले मिसाल के तौर पर जोश मलियाबादी की एक वो बहुत मशहूर नज़म थी उस ज़माने में क्या गुल बदनी गुल बदनी गुल बदनी है तो उस्ताद का जोश मलियाबादी से वो थे मरासिम थे आना जाना था वहाँ जाते थे तो इन्होंने उसके जवाब में कहा कहा कि जोश नहीं कह सका जोश कहाँ का शायर इन्होंने एक नज़र कही क्या फुल बदनी फुल बदनी फुल बदनी है और वो सब नाम और अजीब तरह के उसमें वो थे तो वो कह कर ये जोश को सुनाने पहुंच गए और कहा कि आपने तो झक मारी थी ये शायरी ये होती है और ये कह के वो अपना एक आधा तरन्नुम आधा तैतुल्लफ़ था वो उस तरफ सुनाई अब जोश को बहुत गु़स्सा आया जोश ने इनको डांटा और कुछ जैसे हमला करने लगे तो ये ज़रा भाग के थोड़ी दूर हो गए जोश के घर में और एक फिक्रा कहा कि जोश साहब ये हाथ पांव से तो आप मुझसे जीत जाएंगे लेकिन शायरी में नहीं तो आप मुझसे शायरी में मुकाबला करें ये क्या हाथों से मुकाबला करें तो जोश साहब वहीं हंसने लगे और फिर जैसे होता गया तो ये जोश मलियाबादी की असलाह किया करते थे और इनका ख़ुद शायरी करने का तरीका ये था कि जब लिखवा लेते थे तो ये एक स्केल लेकर मिसरों को नापते थे तो वो नाप अगर बराबर है तो शेर ठीक है और नाप से ज़्यादा अगर कुछ है तो वो वहीं से काट देते थे कहते तो थे ये बस हटा दो तो ये उनकी शायरी का मतलब निज़ाम अरूज था और लेकिन ये कि ये ना समझें ये सब कि ये किसी बिल्कुल ही पैदल आदमी की दास्तान है उस्ताद को एक अजीब एजाज़ हासिल था वो ये कि टाइम ने टाइम्स नहीं वो जो बहुत मशहूर मैगज़ीन है अमेरिका का और उसके सरवरक तस्वीर का छप जाना अमरीकी सदर के लिए बाईस फ़ख्र होता है मतलब ये एक वाक़ होता है जो कोट किया जाता है कि भाई इसकी तस्वीर टाइम के सरवरक पे छप चुकी है उस्ताद की तस्वीर टाइम्स के सरवरक पे छपी है जब वो उन्नीस में बेसिक डेमोक्रेसी के इलेक्शन हो रहे थे तो उस्ताद भी उम्मीदवार थे और वो अजीब हुलिया और अजीब तरह से बयान ये वो तो वो जो वहाँ का नुमाइंदा आया हुआ था वो अट्रैक्ट हो गया और उसने इनसे कुछ बातें पूछी और इनकी तस्वीर उसी हुलिये में वो ऊंची कुतुब मीनार जैसी वो टोपी उसी होलिये में टाइम्स में टाइम्स ने अपने सरवर्क पे छापी है तो उस्ताद का दावा ये था कि मैं बहादुर शाह जफर की औलाद में से हूँ और वो अपने अपना नाम जो है ना वो पूरा लिखते थे वारिस सल्तनत मुगलिया शहज़ादा महबूब निराल आलम ये इनका पूरा नाम था और वो मतलब किसी को भी हद अदब क्रॉस नहीं करने देते थे शहजादे की हैसियत से तो मतलब उनके बहुत मशहूर वाक़ हैं कि उस ज़माने में अखबारों में इनके बयानात छपते थे बल्कि ये मैं जानता हूँ कि सहाफ़ी इस में रहते थे कि उस्ताद का कोई बयान लेके अखबार में छाप दे वो क्या जैसे अखबार एक अखबार में इनका बयान शाये हुआ ये 2003 में वो ज़रा पढ़ के सुना देता हूँ उसका एक टुकड़ा तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मुग़ल मुग़लिया सल्तनत के आखिरी चश्मो चराग बहादुर शाह जफ़र के पड़पोते और फर्मा रवाए सगीर शहज़ादा महबूब निराले आलम ने शाही अपने शाही महल औरंगी टाउन से शाही शाहीलामिया जारी किया है जिसमें अमेरिका को तंबीह की है कि वो इराक़ पर हमले फ़ौरी तौर पर बंद कर दे वरना ख़तरनाक नतज भुगतने के लिए तैयार रहे उन्होंने इस एलामिया में बरतानवी वज़ी अज़म को भी वार्निंग दी है कि अगर उन्होंने बरतानिया से मग़लिया सल्तनत के वाजबात की वसूली शुरू कर दी तो बरतानिया शाशी बहरान की जद में आ जाएगा लिहाजा बेहतरी इसी में है कि ये दोनों ममालिक यानी अमरीका और बरतानिया अपनी जुनूनी कार्रवाइयाँ ख़त्म कर दें और शाही गजब को आवाज़ न दें ये छपा हुआ बयान है वो छपा हुआ मैंने देखा है तो इसी तरह हुकूमत बरतानिया पर वो आलमी अदालत में दरख्वास दायर कर दी कि इनसे कोहे नूर जो हीरा है हमारा वो वापस मुझे दिलवाया जाए भारतीय हुकूमत को भी धमकियाँ दीं कि लाल कुतुब मीनार जो जो मगलिया सेटलमेंट्स से हैं वो सब मुझे या तो उनकी कीमत दी जाए या उनका किराया माहाना दिया जाए और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत संजीदगी से ये सब वो करते थे तो क्योंकि वक्त ज़्यादा हो वरना ही बहुत दिलचस्प आदमी थे तो इनका मतलब दिलचस्प आदमी होने की एक जहत और क्रिएटिव होने की कि ये शायरी भी करते थे नसर निगारी भी करते थे दोनों काम बोल के करते थे लिखवाते थे तो शायरी में इन्होंने जबानों ये तीन जबानों में शायरी करते थे उन जबानों का नाम भी ख़ुद रखा एक है अरबा यानी अरबी से अरबा बना दिया फ़ारसा यानी फारसी से फ़ारसा और उर्दा यानी उर्दू से उर्दा तो किसी ने पूछा उस्ताद ये सब नाम बदलने की क्या ज़रूरत है अच्छा खासा अरबी फारसी सब था कहने लगे कि भी इसमें जो है ना औरतों वाले नाम हैं मैंने इनको अता कर दी है तीनों जबानों को तो बहर उसमें उनकी शायरी के दो तीन शेर मैंने वही राशिद अशरफ़ साहब के यहाँ से नकल किए हैं वो ज़रा देखिए वजन की तो न रखें हुस्न को आफताब में सनम हो गया है हुसन को आफताब में सनम हो गया है आशिकी को जरूर बेखुदी का गम हो गया है और निगाह यार से मांग के लाए उम्र हजार पाँच दिन निगाह यार से मांग के लाए उम्र दराज पांच दिन दो जुस्तुजू में कट गए दो इंतज़ार में ये वो अपने परदादा का लिख दिया मिसरा इसीलिए लिए ये वजन में है तो किसी ने पूछा कि उस्ताद ऊपर तो आपने कहा पाँच दिन तो ये तो चार हुए का पाँचवा दिन मैं गुज़ार रहा हूँ अभी नहीं गुज़रा चार दिन गुज़र चुके हैं वो मैंने लिख दिया और महबूब निराले आलम की बदनसीबी पर करो मातम मेरे दोस्तों ये एक मिसरा है महबूब निराले आलम की बदनसीबी पर करो मातम मेरे दोस्तों इस सरज़मीन पर रहने के लिए दो गज़ ज़मीन ना मिली कूचे यार में ये सब अपने परदादा के वो अल्फ़ाज वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो मुझे जब ये मिले सन सतहत्तर में तो अब मुझे याद नहीं कोई दोस्त इन्हें लाए थे वाकिफ़ तो सभी थे हम तो मुझसे कहने लगे कि तुम सलीम अहमद के यानी थोड़ी बातें हुई तो पता चला कि मैं सलीम अहमद साहब का शागिर्द हूँ और सलीम अहमद साहब वो अगले महल्ले में रहते हैं कहने ये किसने कहा है सलीम अहमद ने ये दावा किया है कि अदब मर गया है उस जमाने मोहम्मद असन लस्करी जो सलीम अहमद के उस्ताद थे उन्होंने एक जैसे ऐलान किया कि अदब मर गया है वो एक ख़ास पर्सपेक्टिव से किया वो उसको खैर ज़रूरत नहीं कि अभी उसे वाज किया जाए तो वो सलीम अहमद ने भी दोहराए कई जगहों पर ये दोहराई ये बात तो इनके जहन में ये आया कि सलीम अहमद ने यह कहा है तो कहने तुम्हारे उस्ताद ने ये क्या झक मारी है तो चलो मिलने चलते हैं तो हम ले गए उन्हें अब वो वक्त सलीम भाई के आराम का था चार पाँच बजे शाम को तो वहाँ हम गए तो सलीम भाई हसब तवको सो रहे थे नहीं लेटे हुए थे वो उन ड्राइंग रूम ही में वो सोते थे उनकी मशेरी भी ड्राइंग रूम में लगी होती थी तो उस्ताद अब बहुत जैसे भारी भरकम और इतनी लंबी दाढ़ी और अजीब हुलिया तो उस्ताद जैसे उनके ऊपर से ऐसे जैसे उनके ऊपर वो हो गए मतलब समझें बस उनके ऊपर लेटने ही वाले हो गए थे और फिर उनको यूँ किया तो अब सलीम अहमद ने जो आँख खुली और ये देखा मंजर तो उनकी कुछ समझ ही नहीं आया मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा अपने उस्ताद को बिल्कुल बेबसी और बिल्कुल नासमझी और हैरानी और डर इसमें पहली मर्तबा वो तासर जो उनकी आँखों से हुआ ना वैसे वो सो के उठे तो खैर मैं घबरा गया कहीं कोई और ना हो जाए तो मैंने कहा अरे ये उस्ताद महबूब निराले आलम है तो वो ज़ाहिर जानते थे वैसे भी जानते थे तो वो उठे कहने हाँ हाँ जनाब उस्ताद उन्होंने कहा नहीं मैं अब ये आप जनाब करने नहीं आया हूँ मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि ये तुमने कहा है कि अदब मर गया है तो उनका उस्ताद वो तो मेरे उस्ताद ने कहा है उनका उस अपने उस्ताद को गोली मारो तुम ये बताओ कि उस्ताद महबूब निराले आलम के होते हुए अदब मर सकता है पहले मुझे मारा जाएगा फिर अदब की मौत होगी और क्या सबूत है कि अदब मर गया है कब मरा दफन हुआ किसने नमाज पढ़ाई ये सब सबूत हैं तुम्हारे पास अब सलीम अहमद ज़ाहिर वो हंसने लगे संभल गए और फिर ये सलीम अहमद पर चढ़ाई करते रहे और सलीम भाई हंसते रहे वो सिगरेट के कश ले लेकर तो फिर मुझे थोड़ी देर बाद इशारा किया कि अब ले जाओ तो मैं ले कर निकला तो उसी दिन अंजुमन जदीद ने एक बनी थी कि जो इस पाकिस्तान के फॉल के बाद जो वहाँ से शायर अदीब आए थे उन्होंने अपनी एक अलग अंजुमन बना ली थी अदबी अंजुमन उसका नाम रखा था अंजुमन जदीद मुसनफिन वो क्या नाम है सजाद बाकी रजवी साहब मरहूम के भाई थे फ़हीम साहब हाँ बहरहाल वो अब अभी, अभी नाम याद आ जाए शायद उनके घर में इजलास होते थे और वो हफ्ते में एक मरतबा होता था तो वहाँ अब ज़्यादातर वही लोग होते थे तो मना नहीं था किसी के लिए सब आ जा सकता हम मैं जाते जाया आया करता था तो वो मैंने कहा उस्ताद आज तो वहाँ एक अदबी मजलिस भी हो रही है कहने चलो चलो तो वहाँ मैंने रास्ते में मुझे ज़रा शरारत सूझी मैंने कहा उस्ताद ये ख़ास ख़तरनाक लोग हैं और ये यहाँ पर चाह रहे हैं कि हम अदब को मार दें ये वही ग्रुप है अब उस्ताद ने कहा तुम फिक्र ही ना करो बिल्कुल संजीदा चलो चलो अब वो उनके हाथ में भारी सा वो असा। वहाँ गए हम दोनों तो वहाँ उस्ताद ने यूं यूं असा मारा ना फर्श पे तो एक आवाज़ सी गूंजी फिर उस्ताद जाके वो जहाँ सदर बैठे थे उन्हीं के पहलू में बैठ गए और बैठने के बाद सबको गौर से यूं-यूं करके देखा जैसे अपने मखतूलिन को शुमार कर रहे हों बहुत जलाली नज़रों से और फिर यूं एक लाठी अपनी यूं मारी और कहा कि कार्रवाई शुरू की जाए <laughs> अब वो लोग बेचारे बहुत अदीब शायर टाइप के लोग उनकी कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं जानबूझ के पीछे बैठ गया कि मुझे ना देखे कोई कि मैं इनको लाया हूँ अब उस्ताद ने कहा कार्रवाई शुरू की जाए उनका कार्रवाई शुरू हो गई है उनका जो शुरू हो गई है।, है वो कैंसिल की जाती है अब नए सिरे से शुरू की अब ये सब जो शुरू हुआ तो वहाँ पे एक साहब थे वो पुलिस में डीएसपी थे और फिक्शन राइटर थे उमराव तारिक साहब वो ज़रा अपने पुलिस वाले रूप में आ गए और आके इनकी तरफ करने कि आप मुझे जानते हैं उनको कहा कि मुझे क्या ज़रूरत है अपनी रियाया को जानने की तो वो भी गड़बड़ा गया उन्होंने कहा मैं पुलिस में ये हूँ उन्होंने कहाँ रिपोर्ट पेश करो <laughs> अब वो उमराव तारीख की कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कि मैं इनका क्या करूँ और फिर जब वो कुछ और एक आध कहना चाहो उन्होंने कहा कि इतने करीब आकर तुम फर्मा रवाए हिंद से बात कर रहे हो जाके अपनी जगह बैठो वरना नुकसान उठाओगे वो खैर बैठ गए उसके बाद लोगों को कुछ अंदाजा हो गया या शायद एक ने उन्हें देख रखा हो कुछ अंदाज़ा हो गया कि ये कोई और केस है तो खैर वो सब होना हुआ ना क्या था तो उस्ताद ने कहा कि हाँ हाँ मैं मजबूरी समझ रहा हूँ मेरे सामने जाहिर है कि कौन पढ़ेगा कौन बोल सकता है कौन सुना सकता है मैं समझ गया और मैं खुश हुआ आप लोगों के इस एहतराम से तो मैं इर्शाद करता हूँ और ये कह के उनको ज़बानी याद होती थी वो उन्होंने कहा कि मेरी शय आफा किताब लंबे घोड़े के कदम से कुछ चीज़ें मैं आपको सुनाता हूँ अब उनकी किताब का नाम था लंबे घोड़े के कदम यह छप चुकी थी तो अब उस्ताद ने उर्दा अरबा फारसा ये सब सुनाते रहे कोई मेरा मेरा अंदाज़ा है कि कोई पैंतालीस मिनट तो सुनाया होगा उस्ताद ने और सब में एक सन्नाटा सा तारी है उसके बाद उस्ताद ने जैसे ही सुनाया उसके बाद यूँ ठक से किया और कहा कि स्टाफ आज मेरे साथ नहीं है चलो जावेद अब लोगों को पता चला कि तू मेरे मैं इन्हें लेकर आया हूँ तो खैर वहाँ पर वो लोग खुश हो गए और उसके बाद उस्ताद की वाकई बहुत आभगत हुई कहा कि नहीं उस्ताद अब नहीं जाएंगे आप बहुत अवभगत हो गई और उसके बाद जब जाने लगे तो कहने तावान कहाँ है नहीं तावान या खराज खराज कहाँ है तो अब लोगों को समझ ही नहीं आया उनका लोगों खराज हमारी रियासत है ये सल्तनत है तुम लोगों की तरफ से खराज रुका हुआ है तो फिर लोग समझे कुछ उधर उधर होकर चुपके चुपके पैसे जमा करके उस्ताद को खराज पेश किया गया अदब से तो खैर इनके बहुत वाक़ हैं और मुझे ये बहुत महबूब हैं मुझे बहुत इनसे महबत महसूस होती है और मुझे हमेशा इन्हें देख के ये लगता था कि चीज़ें इनके जहन का साथ देने के लायक नहीं हैं ये एक ऐसे माहौल में पैदा हो गए हैं जो इनके ओक़ और जहन का मौजू बनने के लायक नहीं रह गया तो इस तरह करके बहरहाल वो हुआ और फिर एक बात एक बस एक चीज़ है कि उनकी तसनीफ़ात के नाम सुन लीजिए और फिर आखिरी ज़माने पे दो तीन बातें इनकी किताबें छपी हुई हैं मतलब ऐसा नहीं है कि वो रजिस्टर में लिखी हूँ इनकी एक शायरी का मजमू है उसका नाम है दीवाने तारीख़ ज़माना फिर इनका इनकी दूसरी किताब है उसका नाम है लंबे घोड़े के कदम तीसरी किताब का नाम है ये दुनिया मुर्गे दिल चौथी किताब का नाम है मसाइल इश्क मंजिल छठी किताब का नाम है बंदर की औलाद जो उन्होंने मतलब अमेरिका के ख़िलाफ़ लिखी है तो उस्ताद ने माशाल्लाह लंबी उम्र पाई और आखिरी वक्त इनका बहुत इज्जत व अहतराम से गुज़रा यानि कि इनकी ज़िंदगी के आखिरी पंद्रह साल और मतलब मेरा दिल जैसे एक शुक्र से और ख़ुशी से भर गया एक साहब के इस इस अमल पर एक साहब हैं इम्तियाज़ फारान साहब ये राशिद अशरफ़ साहब के हवाले से मैं लिख रहा हूँ मैं मैं अर्ज़ कर रहा हूँ मुझे इनका इनसे तारुफ नहीं आमना सामना नहीं है इम्तियाज़ फारान साहब उन्नीस सौ नबे में जब उस्ताद इंतहाई कसम पुरसी और बेघरी के आलम में थे क्योंकि उनके सरपरस तो बहुत पहले जा चुके थे इबन सफ़ी तो उन्नीस सौ नबे में इम्तियाज़ फारान साहब अपने दो कमरों के छोटे से घर में और एक गरीब बस्ती औरंगी टाउन में वाक़ वो छोटा सा घर उनके पास था और उनकी वालिदा बहनें और मतलब एक भरा पूरा ख़ानदान उसमें रहता था जिनके लिए बाहर वो दो कमरे बहुत नाकाफी थे उस ख़ानदान के लिए ही इम्तियाज़ फारान साहब अपनी वालिदा की मोहतरमा की हिदायत पर उन्नीस सौ में उस्ताद साहब को अपने घर ले गए और पंद्रह बरस तक उसी घर में अपना बुज़ुर्ग अपना सरपरस्त बना कर रखा उन सब ने वो सब ऐसे रहते थे जैसे हम अपने मुरशद के आगे रहते हैं उस्ताद उस घर में सबसे अच्छे हाल में रहते थे उस घर की हर चीज़ उस्ताद के तसरफ़ के लिए जैसे मुश्ताक थी तो इन हजरात ने मतलब ऐसी गरीबी के साथ और इतने छोटे से घर में उस्ताद को रखा पंद्रह बरस फिर जब उस्ताद का आखिरी वक्त आया तो इन्हीं के घर से अस्पताल ले जाया गया वहाँ उस्ताद फौत हो गए इन्हीं ने उन्हें मतलब उनके रस्सा की हैसियत से उनकी तदफीन की और राशिद अशरफ साहब बताते हैं कि बाद में जब इन बाद में भी कोई इनसे मिलता था तो इनके घर वाले जैसे ऐस बहुत ज़्यादा अपनी कैफियत से बेकाबू हो जाते थे कैफियत गम से यानी उस्ताद सब के लिए बाप जैसे थे पीर जैसे थे और उस जमाने में उस्ताद का हुलिया वो नहीं रहता बिल्कुल नॉर्मल ना, आदमियों की तरह मतलब पतलून कमीज पहनना और उनकी शक्ल जो दाढ़ी के बग़ैर मैंने तस्वीर में देखी है उसमें वो बड़े जैसे मुदबे और बारोब शख्सियत नज़र आते हैं जो हमने उन्हें नहीं देखा उस उसमें तो यानी उन्होंने उस्ताद को बिल्कुल ज़िंदगी में किसी भी तरह की तकलीफ़ से बचाने का पूरा सामान कर दिया था इन साहब ने इम्तियाज़ साहब और इनके अहल ख़ाना ने तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इम्तियाज़ फारह साहब और उनके घर वालों को इस इंतहाई नादिर अच्छे अमल का बेहतरीन आज्र इसी दुनिया में अता फरमाए आमीन